जन जन की आवाज़ जीएन भारत फिर से आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके समक्ष पेश हुआ है। आपको बताते चले, मारिया खोल को, जी हाँ, ये कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि ये झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध जैवलिन थ्रो की गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन आज अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो वाकई में आपको तरस आ जाएगा, आपको तरस आ जाएगा ये सोच कर कि क्या वाकई में हम भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें। आप अगर एक आप अभिभावक है या फिर वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ये नज़ारा देखकर जरूर एक बार और इस खबर को सुनकर जरूर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम अगर स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाएं, हमारी क्या संभावना होगी, क्या कुछ आगे हमें रिटर्न मिलेगा देश के लिए हम इतना बड़ा सैक्रिफाइस। क्योंकि आप जब एक स्पोर्ट्स में करियर बनाते हैं तो आपको अपना पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ साइड करके आपको एक दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहना रहता है। इसके साथ ही अगर आप अपना पूरा जीवन, आप सोचिए, आप अपना पूरा जीवन अगर एक खेल को समर्पित कर दे और बदले में आपको क्या मिल, रोड पर अगर भीख मांगना पड़े, आपको बुढ़ापे में एक एक पैसे का मोहताज होना पड़े, तो क्या आपके बच्चे या फिर आप क्या वो करियर को चुनेंगे? आप मारिया खोल का जो स्टोरी है बिल्कुल ऐसा ही है। जब 8 क्लास में थी तो 1974 की बात है, अपने स्कूल में वो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आई थी। तभी उन्होंने अपना दम, 8 क्लास की एक साधारण सी दिखने वाली गांव की लड़की ने अपना दम दिखा दिया कि वो जैवलिन थ्रो में बहुत लंबी खिलाड़ी है। इसके बाद 1975 और 96 के बीच वो बड़े बड़े स्कूल में गई, प्रतियोगिता गई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर आप उनके घर में देखेंगे तो बहुत सारे गोल्ड मेडल के साथ बहुत सारे ताज उनके नाम किए हुए। लेकिन अब उनके हालात आपको देखकर बहुत दयनीय स्थिति जी रही है। उनके पास खाने को पैसे नहीं है। फिलहाल नामकुम में अपने एक जो रिश्तेदार है उनके घर पर वो पनाह की हुई है, क्योंकि उनके रहने का उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमने फ़ोन पर उनसे बात की, उनके हालचाल जानना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पास एक पैसे नहीं है, मेरा कुछ दिन पहले फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था, फेफड़ों का इलाज चला था रिम्स में, तो सरकार ने कुछ पैसे दिए थे लेकिन उतने थोड़े पैसे काफ़ी नहीं थे। अब वो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब आलम यह है कि मुझे एक एक पाई पाई का मोहताज होना पड़ रहा है, जिस जैवलिन थ्रो की वजह से आज मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ देश को दे दी, देश के नाम कर दी, इस खेल के नाम कर दी। आज वही खेल मुझे रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। खाने को खाना नहीं है, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं है। ये वाकई में ये स्थिति जो है काफ़ी डरावनी स्थिति है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक हॉकी खिलाड़ी है प्रवीण, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे खिलाड़ियों पे विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए या फिर कुछ ऐसे योजना लाने चाहिए ऐसे खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो जैवलिन थ्रो है, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, बहुत सारे खेल है जिनमें जब खिलाड़ी जवान, ऐसे भी खिलाड़ियों का देखा जाता है, खिलाड़ी जब जवान होते हैं तो बहुत फिट होते हैं, आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते, जब वो खेल नहीं पाते हैं, उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इसके साथ ही उनके पास चूंकि और कोई स्किल नहीं होता, पूरी लाइफ उन्होंने एक खेल को समर्पित किया रहता है, इसलिए कुछ और काम वो कर भी नहीं पाते, खेल तो पाते नहीं है, कहीं और किसी सेक्टर में जा नहीं पाते। इसलिए सरकार को ऐसा उनका कहना था कि सरकार को हम लोगों की तरफ देखना चाहिए और कुछ योजना या फिर कुछ पेंशन इस तरह की चीज़ें लाने चाहिए, जिससे हम जैसे बहुत सारे खिलाड़ी है, मारिया खोल को तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई खिलाड़ी है जो रोड पर पूड़ी बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते, खैर ये काम करना शर्म की बात नहीं है, लेकिन जो गोल्ड मेडल से इस लेवल पर आए, नीचे आए, दूरा दुनिया आगे जाता, अगर नीचे आए तो जरूर सोचने वाली बात होगी। जरूरत है सरकार को ऐसे खिलाड़ियों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की। ऐसे ही जन जन की आवाज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे सहयोगी बजाज राशिका के साथ। मैं रांची से शिखा श्रेया, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।